Everything is blue and white, blue and white, blue and white in Tunisia. आज है दूसरा दिन ट्यूनिसिया में और अभी मैं जा रहा हूँ मदीना सिटी ओल्ड टाउन। बहुत ही फेमस जगह है यहाँ की, तो चलिए वहाँ के बारे में देखते हैं क्या चीज़ें और नज़ारा कराते हैं ट्यूनिसिया के मदीना सिटी का। ओके, सो इस वक्त हम जा रहे हैं मदीना घूमने और ये हमारे फ्रेंड माय फ्रेंड अब्दुल कादिर। थैंक यू सो मच अब्दुल कादिर। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है एक्चुअली अरबिक, देन फ्रेंच, देन इंग्लिश। तो इंग्लिश हर किसी को नहीं आती है, कुछ इशारों से काम करना पड़ता है और कुछ बातों से। कादर जी कह रहे हैं कि मदीना में बहुत ट्रैफिक है, मगर इनको क्या पता कि हम मुंबई से। तो फाइनली पार्किंग मिली हमें गली में, हिस्टोरिकल प्लेस है, तो चलिए दिखाते हैं वहाँ। ओके, सो अब्दुल कादिर जी को मैंने $100 दिए हैं, वो उसे चेंज करने वाले हैं ट्यूनिशियन दिनार में। तो नॉर्मली $100 का होता है 250 ट्यूनिशियन दिनार, बट वो मुझे एक ब्लैक मार्केट पे लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ हमें 300 मिल जाएंगे, उसके 300 ट्यूनिशियन दिनार मिल जाएंगे। बट मुझे शांत रहना होगा क्योंकि अगर वहाँ जाके मैं हिंदी या इंग्लिश बोलता हूँ तो वो समझ जाएंगे कि मैं लोकल से नहीं हूँ, तो फिर अब वो हमें सिर्फ 250 दिनार ही देंगे। तो मैं वहाँ पर जाके शांत रहने वाला हूँ, कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। How much? $45 No discount? $45 How are you? Good morning. इसके बाद हमने स्ट्रीट फूड एंजॉय किया और अब हम आए हैं एक एंटिक से कैफ़े में जहाँ की चीज़ें भी एंटिक हैं। सो दिस इज द एलमोंड टी दे आर हैविंग। हो गई है हमारी टूटी फूटी शॉपिंग। लैंग्वेज का बहुत इशू है यहाँ पे, इंग्लिश किसी को नहीं आती, लोकल लोगों को बिल्कुल नहीं आती है। प्राइस भी वो लोग नहीं बता पाते हैं कि कितने प्राइस की वो चीज़ है, तो बहुत इशू होता है। और साथ में हमारे जो बंदे थे उन्हें भी उतना इंग्लिश नहीं आती थी, तो बहुत हर बार हम ट्रांसलेट करके देख रहे थे कि क्या प्राइस है। ओके, सो दिस इज आवर कार, आई एम गोइंग बैक। ओके, सो हमने खूब सारी शॉपिंग किया, खूब घूमा स्ट्रीट में, मज़ा आया, स्ट्रीट फूड भी खाया और हमारे अब्दुल कादिर जी ने हमें बहुत अच्छे से घुमाया और बहुत अच्छे से नेगोशिएट किया चीज़ों को दिलाने में।
लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू होता है क्योंकि यहाँ के लोगों को नॉर्मली इंग्लिश भी नहीं आती है, तो वो नॉर्मली प्राइस भी नहीं बता पा रहे थे समटाइम। तो मुझे कैलकुलेटर में ओपन करके दिखाना पड़ रहा था कि इट्स 5, 6 और 10, लेकिन मज़ा आता है जब ऐसा कुछ करने मिलता है। और अब हम निकल पड़े हैं अपने होटल के लिए वापस। तो यहाँ पर ही हमारा ये ब्लॉग ख़त्म होता है दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले ब्लॉग में। थैंक यू।